क्लास 9 के अंतर्गत लेसन नंबर 9। और आपको बता दें न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम। और न्यूटन ने बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। ए सीधा देखो आगे, न्यूटन ने 3 नियम दिया था, याद है? आज उस 3 नियम के बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन पहला आज के केवल एक नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम। अच्छा मान लो फुटबॉल कहीं रख दिया गया तो विराम अवस्था में रहेगा, और तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक यह बाहर से बॉल ना लगे। या फुटबॉल गति कर रहा है वो तब तक गति करता रहेगा जब तक कि आप उसको बल लगा कर क्या कर दे, रोकना। तो पहला नियम इसी को उसने बनाया था, जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम आता है प्रश्न में, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम। तो प्रथम नियम ही कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम का मतलब रुका हुआ, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उसको बाहर से क्या किया जाए, बल ना लगे। तो लिख लेते हैं, यदि प्रथम नियम लिखना न्यूटन का, न्यूटन ने 3 नियम दिया था लेकिन प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, गुड मॉर्निंग। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। चलो घर इधर उधर कहीं आएगी, तथा यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। जब तक कि उस पर बाहर से बल ना लगाया जाए, तब तक उस पर बाहर से क्या किया जाए, बल। नोट में लिख लेना इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण में यदि फुटबॉल विराम में है तो वह विराम में रहेगी, और यदि गति में है तो गति में रहेगी। यदि बॉल ना लगाए तो आपका रहा कि अगर फुटबॉल रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और यदि गति कर रहा है तो गति करता।